तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हमको जाने अंतःश्वसन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन का अगर बात करें मतलब तो होता है अंदर का श्वसन। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में देखिए, कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ, जी हाँ दोस्तों, जब कोशिका है उसके अंदर पहले से भोज्य पदार्थ उपस्थित है, अगर वह श्वसन के समय अगर ऑक्सीजन लेता है तो, जब कोशिका वो श्वसन के समय ऑक्सीजन लेता है तो उसमें से क्या क्या निर्माण होते हैं। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होते हैं, जल निर्माण होते हैं और ऊर्जा निर्माण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन का उपयोग करें तो कोशिका में निर्माण होने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा निर्माण करते हैं। अंतःश्वसन चूंकि कोशिका के अंदर ही होता है, अंतःश्वसन जो है कोशिका के अंदर ही होता है, ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोशिकीय श्वसन और अंतःश्वसन बात सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों बस इतना समझिए, जब कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन ले तो कार्बन डाई, जल एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो